जय श्री राम। आज आपसे एक बहुत ही दुखद घटना जिसने मुझे बहुत ही झकझोरा, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। लगभग एक वीक पहले मुझे मेरे एक पुराना क्लाइंट है उसका फ़ोन आया। वो मेरा स्टूडेंट भी है, एक बड़ी कंपनी में जो वो लगभग करीब 2-2.5 लाख रुपए महीने का वेतन भी ले रहा है, अच्छे पद पर है और लगभग करीब 5-7 पहले इसने मेरे से किराए के मकान का वास्तु करवाया था। तब मैंने इसकी पत्री भी देखी थी और उसको भी देखा था और 5-6 साल बाद अभी उसने एक वीक पहले मुझे संपर्क किया। बोलता है कि सर, मेरे फादर को और थर्ड स्टेज का कैंसर जो है डायग्नोस हुआ है। आई वॉज इन अ शॉक, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैंने उसकी फादर की भी पत्री देखी थी, उसकी भी पत्री देखी थी, उसमें कहीं पर भी इस तरह का रोग नहीं है। तो मैंने कहा, तुमने क्या कबाड़ा किया है, सही से बताओ। बोल सर, आपसे वास्तु कराया था, फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं मुंबई आ गया और मुंबई में जो है मैंने एक मेरे कंपनी की तरफ से एक नया मकान मिल गया, नया घर मिल गया और हम तब से यहीं रह रहे हैं। और अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले मेरे फादर को और कैंसर डायग्नोस हुआ है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मैंने बताया था कि तुम जब कभी भी, एक तो क्या उसका शनि नीच का है, जब कभी भी किसी व्यक्ति का जातक का शनि नीच का होता है तो 50 साल से पहले वो खुद का मकान नहीं बना सकता, अगर बनाएगा तो पीड़ा आएगी। तो मैंने उसको बात याद दिलाई, उसको सब मुझे याद है और इसीलिए मैंने यहाँ पर कंपनी के द्वारा दिया हुआ मकान में रह रहा हूँ। अच्छी लोकेलिटी, ठीक ठाक है, बाकी अधिकारी भी रहते हैं कंपनी के, तो यहाँ मैं भी रह रहा हूँ, एक रो हाउस है, इस तरह से उसने बताया। तो मैंने कहा कि तुम जरा मेरे को उसने मेरे को व्हाट्सएप पे मेरे को थोड़ा एक वीडियो टूर करवाओ पूरे घर का, और सेंटर पे खड़े होके मैंने कहा कंपस से मेरे को जो मोबाइल में कंपस निकाल के और नॉर्थ किधर है मुझे ये बताओ एग्जैक्टली। तो उसने स्क्रीनशॉट भी भेजा, मैंने देखा और एग्जैक्टली फिर मैंने उसको गूगल अर्थ पे भी फिर मैंने उसको ट्रैक कर लिया। लगभग कोई 5-8 डिग्री का फर्क आ रहा था। नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट और सेप्टिक टैंक है और ये जो मकान जो बने हुए हैं, जो कॉलोनी, पूरी कॉलोनी कंपनी के द्वारा बसाई हुई है, ये लगभग करीब 20 साल पहले बसाई हुई है। अब इसका बृहस्पति भी इस लड़के का और इस लड़के के पिताजी का बृहस्पति और शनि दोनों नीच का है। जब बृहस्पति और शनि दोनों नीच का होता है तो आप अगर किसी भी ऐसे घर में जाते हो जहाँ पर कि नॉर्थ ईस्ट में खासकर वास्तु दोष है तो बहुत भयंकर आपको बीमारी होने का 100% चांस है। ये शास्त्र झूठ नहीं बोलता है, शास्त्र बोलता है बोले ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। अब वो बेवकूफ मेरे से रेमेडी पूछ रहा है, थर्ड स्टेज कैंसर की रेमेडी नहीं हो रहा था, पापा से डिस्कस कर रहा था, पापा ने आपका नाम लिया तब मैंने आपको फोन किया। मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, मैंने उसको बहुत सुनाया और मैंने कहा बेवकूफ, इससे बुरा क्या हो सकता है कि तुम फादर थर्ड स्टेज पे हो और तुम उससे रेमेडी पूछ रहे हो, रेमेडी होती नहीं है इन चीज़ों की। और ये रेमेडी की बीमारी किसने दी, रेमेडी की बीमारी सब ये जो सब झोला छाप, ये जो फर्जी जो वास्तुशास्त्री हैं, जैसे घटिया डॉक्टर होते हैं, घटिया नेता होते हैं, घटिया अफसर होते हैं, घटिया इंजीनियर्स होते हैं, घटिया कारीगर होते हैं, घटिया शेफ होते हैं, उसी तरह से घटिया वास्तु कंसल्टेंट भी होते हैं। सब ने अपना चैनल खोल रहे, उल्टी सीधी एक से एक रेमेडी, एक ट्रक भर के रेमेडीज लगा के चले जाएंगे।
टोपले टोपले मेरे को जो बोलते हैं टोपले, ये जो प्लास्टिक के जो गंदे प्लास्टिक के जो पिरामिड्स बना बना के चिपका के चले जाएंगे आपके घर में चले जाएंगे, और आप देखोगे बहुत बहुत बढ़िया अच्छा वास्तु हो जाएगा, कुछ नहीं है बकवास है सब। फॉर्म करेक्शन इज द बेस्ट थिंग। फॉर्म करेक्शन मतलब जो चीज़ गलत बनकर पैदा हुई है वो तोड़कर ही सही होगी। तो मैंने उस बेवकूफ़ को कहा, मैंने कहा तू वो जगह छोड़ दे, ठीक है, पापा को जिंदा देखना चाहता है तो वो जगह छोड़ दे, वो जगह छोड़ के और ऐसी जगह ले। मैंने उसको ले आउट भी बना के दिया कि जिसमें मोटे मोटे रूप से कि एल शेप के अंदर, जिसमें कि 2 से 3 कमरे जो है नॉर्थ वेस्ट से लेकर और साउथ वेस्ट तक हों, और साउथ वेस्ट से लेकर और साउथ तक हो एक कमरा, और फिर साउथ ईस्ट में रसोई हो, इस तरह का कुछ। और आगे का जो जो साउथ वेस्ट से लेकर सॉरी साउथ ईस्ट से लेकर और जो नॉर्थ ईस्ट तक का जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा का पोर्शन खाली हो उसके अंदर। बृहस्पति बहुत बड़ा चाहिए, तो बड़ा बड़ा हॉल चाहिए वहाँ पे, तब तुम्हारे पापों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, इनको थोड़ा बहुत फायदा होगा, थोड़ी रिलीफ मिलेगी, कुदरती उसको वो उसने कोच दिन करी लगाया, अपने घोड़े दौड़ाए, ठीक है, एम्प्लॉयज को दौड़ाया, पता लगा क्योंकि अच्छी पोजीशन पे है लड़का, वीपी है, और उसको मिल गया, ही इज अराउंड 40, उसको मिल गया। उसने वापस मेरे का वीडियो टूर करवा, वापस वीडियो टूर करवाया, मैंने बाहर का भी लोकेलिटी देखी उस मकान के और ये सारा कुछ, क्योंकि उसकी कंपनी अलाउ कर, उसने स्पेशल रिक्वेस्ट करी कि सर मुझे आपके कैंपस में नहीं रहना, मुझे अपने फादर की जो हेल्थ को देखते हुए मैं अच्छी लोकेलिटी में, मतलब और ज़्यादा ग्रीनरी वाली जगह में, और जहाँ पर मैं अपने मन से हिसाब से मेरे गुरुजी जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ पर लूँगा, ठीक है जी, मैं वो वास्तु चुनूंगा, मैं वहाँ रहूँगा, चाहे मकान छोटा हो मैं वहीं जाऊँगा। कंपनी हैज़ टू अग्री, बिकॉज इफ वाइस प्रेजिडेंट इज रिक्वेस्टिंग दैन यू हैव नो ऑप्शन बट टू अग्री। तो मैंने कहा ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, और तू यहाँ वास्तु पूजन करवा, ठीक है, और इस जगह की पहले मुझे जो लोग जो मकान मालिक है इसका, उससे मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ले ले। मैंने उनसे पूछा क्या क्या यहाँ की हिस्ट्री रही है, वो ऊपर रह रहे थे, ये नीचे का पोर्शन खाली था, तो मैंने पूछा मैंने क्या हिस्ट्री है, कितने लोग आए गए हैं, और ये मकान कब का बना हुआ है, लगभग करीब 15 साल पुराना बना हुआ है, और कितने लोग आए गए, उनका क्या हिस्ट्री है क्या नहीं है। और अगर मैं लड़के को भी बोला, वीपी को भी बोला, मैंने कहा भैया अगर तू चेक करवा सकता है तो एक आध का इनसे नंबर ले ले और उनसे जाके मिल कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, इनको मत बताना है ये बात के भी इस तरह से, तो पूछो इनसे, बहुत क्लियर क्लियर कट पूछा मैंने कहा सर इस इनको फादर को जो थर्ड स्टेज का कैंसर है और ये कभी भी फोर्थ स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, आप तो मुझे क्लियर कट ये बता दो, देखो पाप मत चढ़ाओ, आप मुझे बता दो कि एग्जैक्टली यहाँ जो लोग रह के गए हैं उनका क्या रहा है, क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है, कैसे क्या क्या उनकी क्या फाइनेंशियल ग्रोथ रही है, क्योंकि वास्तु अफेक्ट करता है, कभी कभी शल्ले होता है किसी घर के अंदर पता नहीं लगता, वो तो रह रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर में पिछले 15 साल से वो उन्होंने किराए पे दे रहे हैं, तो इसका भी असर पड़ता है, क्योंकि शल्ले अगर नीचे है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में मिट्टी मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, तो वो ग्राउंड फ्लोर वालों को असर करेगा, फर्स्ट फ्लोर वालों को नहीं करेगा, क्योंकि बीच में वो स्लैब है, RCC स्लैब आ जाता है। फाइनली ही गॉट दैट होम, वास्तु पूजन कराया, फुल डे का वहाँ पर करीब 21 पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार करके पूरा एक विधिवत तरीके से वो एक पूरा वास्तु पूजन करवाया और सारा कुछ देखा। शनि आपका अगर हॉरोस्कोप में नीच का है, बृहस्पति अगर नीच का है, नीच का मतलब ये होता है कि वह शनि बहुत ही कमज़ोर है और बृहस्पति भी कमज़ोर है, चंद्रमा भी अगर कमज़ोर हो तो आपको बहुत चांसेस है, 99% चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत भी अगर वास्तु दोष होगा आपके अगर मकान में तो आपको क्रॉनिक डिजीज बाय द टाइम पासिस 5 साल 10 साल 15 साल में दे ही देगा। ये लड़का लगभग करीब जैसे ही इसने वहाँ शिफ्ट किया बोलता है सर पापा को थोड़ा आराम, बोले मेरे को थोड़ा आराम आया है। मैंने कहा ये इनिशियल असर है क्योंकि बहुत ज़्यादा मंत्रोच्चार हुआ है, ये सारा कुछ वहाँ पर और सुंदर कांड के पाठ कर रहे हैं, ये किया है और वस्तु पूजन करवाया है, मैंने कुछ मेटल्स भी रखवाए, देवताओं के मेटल्स भी अलग अलग जोन्स में रखवाया, लड़का खर्च कर सकता है तो उसके द्वारा मैंने खर्च भी करवाया, मैं तो अलग अलग जोन्स में देवताओं के मेटल्स कहे गए हैं, ठीक है, सम्राण सूत्रधार में विश्वकर्मा प्रकाश में मैंने बताऊँगा सब जगह, रत्नाध्याय में भी
जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स कहेंगे वो मैंने रखवाए, ठीक है। तो उनके फादर को थोड़ी रिलीफ है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आप इस तरह की बेवकूफ़ी ना करें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जैसे घटिया डॉक्टर होते हैं, घटिया इंजीनियर्स होते हैं और फर्जी टीचर होते हैं, फर्जी नेता होते हैं, फर्जी अफसर होते हैं, फर्जी बैंकर भी होता है, तो इस तरह से फर्जी वास्तुशास्त्री भी होते हैं। मैंने जो चैनल चला रखे हैं इनसे पूछूं कि भैया किस श्लोक में कहाँ कौन से नंबर के श्लोक में लिखा हुआ तू बता, कमेंट में डालो उनका, तभी सारी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। फॉर्म करेक्शन इज द बेस्ट करेक्शन इन कलयुग। अगर आप नहीं कर, फॉर्म करेक्शन मतलब वो अगर गलत ढंग से बना हुआ है तो उसको तोड़ के ठीक ढंग से बना लो, और अगर नहीं बना सकते वो जगह छोड़ दो वो जगह, क्योंकि वो आपको रोग देगी, दरिद्रता देगी, ठीक है। जिसके भी हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं प्लैनेट्स कमजोर होंगे वो रोगग्रस्त हो जाएगा, मत करो ऐसा, ठीक है। जय श्री राम, जय हिंद।